हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल मूवीज फैन इंडिया। सो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि डेथ यानी कि मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। हम सबको इसे एक न एक दिन फेस करना ही है, इससे कोई भी स्केप नहीं कर सकता। तो इसे फेस किया हॉलीवुड के ना जाने कितने एक्टर्स ने। तो उन सभी एक्टर्स में से मैं आपको बताऊंगा सात ऐसे एक्टरों के बारे में जिनकी मूवी के बीच में ही डेथ हो गई, यानी कि जो मूवी वे उस वक्त कर रहे थे वे उसे भी पूरा नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनकी डेथ से रिलेटेड बातें, जैसे जब उनकी डेथ हुई, उनकी एज क्या थी, वे कौन सी मूवी कर रहे थे, उनकी डेथ की वजह और उनके चले जाने के बाद उस मूवी का क्या हुआ, और जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें पहला नाम आता है ब्रूस ली का। तो ब्रूस ली एक ऐसे इंसान का नाम है जिसका नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, और आपने यही सुना होगा कि ब्रूस ली एक फाइटर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वे थे एक एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और एक प्रोड्यूसर। तो ब्रूस ली की डेथ हुई 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में, और उनकी डेथ की वजह बताई गई सेरेब्रल एडिमा बीमारी। इस बीमारी में दिमाग में सूजन आ जाती है, तो यही ऑफिशियल रीजन बताया गया है ब्रूस ली की डेथ का। तो उनकी डेथ के समय वे मूवी कर रहे थे गेम ऑफ डेथ, और जब उनकी डेथ हुई उनकी एज थी 32 साल, और उनकी फैमिली में है उनकी वाइफ लिंडा एमरी और उनके दो बच्चे जिसमें हैं ब्रेंडन ली और शैनोन ली। तो उनके चले जाने के बाद गेम ऑफ डेथ मूवी रिलीज हुई 1978 में, जिसमें इंक्लूड थे वे सारे फुटेज जो ब्रूस ली के मरने से पहले शूट हुए थे। इसके बाद मूवी को दोबारे से अलग तरीके से लिखा गया और लगभग आधी मूवी दोबारे से शूट हुई, और किसी तरह से ब्रूस ली वाली इनकम्प्लीट मूवी और दोबारे से शूट हुई मूवी रिलीज की गई 1978 में। ब्रूस ली ने अपने करियर में 7 मूवीज की, जिसमें कि 3 मूवीज उनके मरने के बाद रिलीज हुई, जिनमें से उनकी कुछ फेमस मूवीज हैं ये एंटर द ड्रैगन, वे ऑफ द ड्रैगन और द बिग बॉस। लिस्ट में दूसरा नाम आता है एक ऐसे इंसान का जिसका नाम सुनकर आप फुल्ली शॉक्ड हो जाएंगे। इसमें दूसरा नाम आता है ब्रेंडन ली का, जो कि बेटे हैं ब्रूस ली के। हाँ, आपने सही सुना, ब्रूस ली के बेटे। तो ये सुनने में काफी अजीब लगता है ना कि ब्रेंडन ली की डेथ भी हुई एक मूवी करते हुए। मूवी का नाम था द क्रू, जो रिलीज हुई 1994 में, लेकिन इससे पहले ही मूवी के मेन एक्टर ब्रेंडन ली की डेथ हो चुकी थी मूवी के ही सेट पर, और मौत की वजह थी रियल बुलेट जो थी एक प्रोप गन में, और वो एक्सीडेंटली लग गई ब्रेंडन ली को शूटिंग करते हुए। और जब उनकी डेथ हुई उनकी उम्र थी 28 साल। उनकी फैमिली में थी उनकी वाइफ एलिसा हैटन। तो उनके चले जाने के बाद बाकी की मूवी बॉडी डबल और स्पेशल इफेक्ट से पूरी की गई। तो उनकी कुछ फेमस मूवीज हैं ये द क्रू और रैपिड फायर। लिस्ट में तीसरा नाम आता है क्रिस फर्ली का, जो कि काफी फेमस कॉमेडियन थे अपने टाइम के। उनकी डेथ हुई 18 दिसंबर 1997 को, और उनकी डेथ की वजह थी कोकेन और मॉर्फिन का ओवरडोज। कोकेन और मॉर्फिन दोनों ही ड्रग्स हैं। तो जब उनकी डेथ हुई वे श्रैक मूवी में श्रैक के वॉइस एक्टर का रोल कर रहे थे, और वे लगभग पूरा कर चुके थे अपना काम, लेकिन तभी उनकी डेथ हो गई। श्रैक मूवी में वॉइस एक्टर के रोल के लिए चुना गया माइक मायर्स को, जो श्रैक की अब तक की चारों मूवीज में श्रैक को आवाज दे चुके हैं। तो क्रिस फर्ली की डेथ के समय उनकी उम्र थी 33 साल। उन्होंने अपने करियर में 10 मूवीज की, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीवी शो था उनका सैटरडे नाइट लाइव, जो आज भी रनिंग में है। उनकी फैमिली में है उनके दो भाई जॉन फर्ली और केविन फर्ली। लिस्ट में चौथा नाम आता है ओलिवर रिड का, जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था एंटोनियस प्रोक्सिमो का ग्लैडिएटर मूवी में, जो रिलीज हुई 2000 में। लेकिन मूवी को कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, और डेथ की वजह थी हार्ट अटैक। और जब उनकी डेथ हुई उनकी उम्र थी 61 ईयर्स, और उनकी फैमिली में है उनकी वाइफ जोसेफिन बग और दो बच्चे। वैसे मरने से पहले वे पूरा कर चुके थे अपना काम मूवी में अपना काम, लेकिन अब भी कुछ काम बाकी था जिसे स्पेशल इफेक्ट से पूरा किया गया। और उनकी कुछ फेमस मूवीज हैं ये द 3 मस्कीटियर्स, द पार्टी ओवर और द ग्लैडिएटर। लिस्ट में पांचवा नाम आता है हीथ लेजर का, जिन्हें हम जानते हैं जोकर के नाम से। लेकिन क्या आपको पता है कि डार्क नाइट मूवी के रिलीज होने से 6 महीने पहले ही डेथ हो चुकी थी हीथ लेजर की, और डेथ की वजह थी ड्रग्स का ओवरडोज। लेकिन इससे पहले वे पूरा कर चुके थे डार्क नाइट मूवी को, लेकिन वे कर रहे थे एक दूसरी मूवी जिसका नाम था द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर पाइनासिस, जिसके बीच में ही उनकी डेथ हो गई। और उनके चले जाने के बाद उनके रोल को रिकास्ट किया गया, और उस रोल को प्ले किया 3 एक्टर ने, जिसमें हैं जॉनी डेप, कोलिन फेरल और जूड लो। ये तीनों ही एक्टर तैयार हो गए हीथ लेजर के जाने के बाद मूवी को कंप्लीट करने के लिए। और अगर पर्सनल लाइफ पे आए तो उनके पार्टनर का नाम है मिशेल विलियम, जिनसे उनकी एक बेटी भी है। और जब उनकी डेथ हुई उनकी उम्र थी 28 साल, और उनकी कुछ फेमस मूवीज हैं ये द डार्क नाइट, ब्रोकबैक माउंटेन और 10 Things I Hate About You। लिस्ट में अगला नाम आता है द हंगर गेम सीरीज से फिलिप हॉफमैन का, जिनकी डेथ की वजह थी ड्रग्स का ओवरडोज। उनकी बॉडी मिली उनके घर के बाथरूम में, और पुलिस को उनके घर से काफी सारे ड्रग्स मिले, जिसमें है हेरोइन, कोकेन, बेंजोडायबेंस,
जब उनकी डेथ हुई उनकी एसी 46 इयर्स और उनकी वाइफ थी मिमी ओडोनल और उनके तीन बच्चे भी हैं। जिस वक्त उनकी डेथ हुई वे मूवी कर रहे थे द हंगर गेम्स मॉकिंगजे के दोनों पार्ट्स। लेकिन उनकी डेथ के पहले तक वे लगभग दोनों मूवीज में अपना काम पूरा कर चुके थे, लेकिन कुछ सीन्स अब भी बाकी थे। फिर भी मूवी के प्रोडक्शन हाउस ने किसी तरह से इसे एडजस्ट कर लिया और उनकी कुछ फेमस मूवीज हैं ये द हंगर गेम्स, द मास्टर और कपोट। लिस्ट में सातवां और आखिरी नाम आता है पॉल वॉकर का। और अगर आप मेरी तरह फैन है फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के तो आप इन्हें कैसे भूल सकते हैं। पॉल वॉकर की डेथ हुई जब उनकी उम्र थी 40 साल और उनकी डेथ हुई नवंबर 30 2013 को और डेथ की वजह थी कार एक्सीडेंट। पुलिस का कहना था कि कार की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से 150 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में थी जो मेन वजह बनी क्रैश की। उनकी फैमिली में है उनकी वाइफ और एक बच्चा और उनका एक भाई भी है कोडी वॉकर, जिन्होंने पॉल वॉकर के चले जाने के बाद फास्ट एंड द फ्यूरियस सीरीज में वॉकर के बचे हुए सीन्स किए और सीजीआई की मदद से उन्हें पॉल वॉकर का चेहरा दे दिया गया। उनकी कुछ फेमस मूवीज हैं ये फास्ट एंड फ्यूरियस 7, इनटू द ब्लू और रनिंग स्कैड। तो दोस्तों ये थे सात ऐसे एक्टर्स जिनकी मूवी के बीच में ही डेथ हो गई। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि सो बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।